अदर 66 ये पोयम लिखी है कमला दास ने, और ये पोयम हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं और उन्हें डर होता है कि उनके माता पिता एक दिन उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस पोयम के बारे में जानते हैं कि कमला दास ने किस प्रकार से अपनी भावनाओं को इस पोयम के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, कमला दास अपनी माँ बाप के घर से लौटते हुए कोचिन के एयरपोर्ट जा रही होती हैं। सुबह का समय होता है और शुक्रवार होता है, और अचानक से उनकी नज़र जो है अपनी माँ पर पड़ती है जो बहुत बूढ़ी हो गई होती हैं, और उन्हें यह डर होता है कि एक दिन उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ अब पड़ चुकी हैं। कमला दास कहती हैं कि जब उन्होंने उनके चेहरे पर देखा तो उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव बनकर आया जैसे कि एक मुर्दा व्यक्ति के चेहरे पर होता है। और यहाँ पर कॉप्स नाम का एक वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब होता है मुर्दे जैसा चेहरा, मतलब मुर्दा का चेहरा, जो डेड बॉडी होती है उसका चेहरा जैसा हो जाता है। उसकी माँ का चेहरा भी ऐसा ही हो गया था जैसे एक मुर्दे का चेहरा हो जाता है, और यही सोच करके उनके मन में बहुत दर्द उत्पन्न होता है और उन्हें लगता है कि एक दिन उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएगी, और ये मन में उनके डर बहुत गहरा असर करता है। माँ की तरफ से बहुत चिंतित होकर कमला दास का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका होता है, और वो खिड़की के तरफ मुंह करती हैं तो उन्हें पेड़ भागते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि पेड़ अपने घर जाना चाहते हैं, पेड़ अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर कमला दास ने उन भागते हुए पेड़ों की तुलना बच्चों से की है जो उछलते कूदते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बाहर एयरपोर्ट के पास पहुँचते हुए जब सिक्योरिटी चेक के पास वो खड़ी होती हैं तो उनके मन में ये प्रश्न होता है कि अब उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका है, मतलब उनके चेहरे में अब वो जो एनर्जी होती है, वो खुशी होती है, वो जोश होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। अतः यह सोच करके कमला दास बहुत दुखी होती हैं और अपनी माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। आगे कमला दास कहती हैं कि यहाँ पर लेट विंटर मून यानी कि सर्दियों के चंद्रमा के समान अपने माँ के चेहरे की तुलना करती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सर्दियों का चंद्रमा पूरी तरह से धुंधला हो जाता है और तेजहीन हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी माँ का चेहरा भी पूरी तरह से तेजहीन हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर कमला दास ने अपने माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से की है, और यही देख करके उनके मन में एक जाना पहचाना दर्द उत्पन्न होता है, और जो बचपन से ही उस दर्द से बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं कि एक दिन उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनके साथ क्या होगा। आगे कमला दास कहती हैं कि वे उन्हें ये दर्शाना नहीं चाहती थी कि वे उन्हें छोड़कर जा रही हैं, और ये मन में उनके विचार रहता है कि अब अगर अगली बार मैं आऊं तो शायद अम्मा मुझे देखने को भी ना मिलें, इसीलिए वह ये दर्द ना बताते हुए अपनी अम्मा की तरफ मुस्कुराती हैं और उनसे कहती हैं सी यू सून अम्मा, या अम्मा कहकर के वे विदा लेती हैं और एक स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी अम्मा को विदा कर देती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।